Assalamu alaikum. Hi viewers, welcome to my channel Cooking and Fun Zone. Viewers, आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी मुर्गी की पुलाव. उसके लिए जिन हम इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी वो हैं ये आपके सामने. मैं आपको बताती चलूँ, 2 अदद बड़े प्याज, 2 अदद टमाटर, 1 प्याली दही, 1 कप ऑयल, 2 आलू ले लिए हैं मैंने. ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप मत लें. ये मेरे पास है देसी चिकन, ये मैंने लिया है 1/2 kg. चावल ये मैंने लिए हैं 1/2 kg. जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून. 3 हरी मिर्चें, 2 करी पत्ते लिए हैं. 1.5 टेबलस्पून नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ सूखा पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और ये मेरे पास है गरम मसाला. चलिए अब इसका मेथड देखते हैं. 1 पतीली लें, 1 कप ऑयल डालकर प्याज डाल के उसे ब्राउन होने दें. व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं ये सब स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें. जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ये सब फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर देनी है मुर्गी. मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और लाइट ब्राउन होने दूँगी. मुर्गी फ्राई हो चुकी, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सब स्पाइसेस और इसको फिर एक दफ़ा अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी. स्पाइसेस इसमें फ्राई करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी टमाटर. टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूंगी. पुलाव में टमाटर कम और दही ज़्यादा डलती है और इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर फ्राई करने के बाद इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी, क्योंकि ये देसी मुर्गी है और इसको गलने में टाइम लगता है और इसको कवर अप करके गलने दूंगी. व्यूअर्स, इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है, अब मैं इसको गलने दूंगी. व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है और ये मुर्गी गल चुकी है. अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको आलू के गलने तक मैं वेट करूंगी. व्यूअर्स, मसाला भुना जा चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल जो मैंने 1/2 kg लिए हैं और इसमें पानी डाल दूंगी. व्यूअर्स, पानी डालकर मैंने इसका ढक्कन ढक दिया है, ये चावल पक रहे हैं. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए. व्यूअर्स, चावलों में पानी खुश्क हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दूंगी और इसको 5 मिनट दम पर रखूंगी. फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी. व्यूअर्स, देसी मुर्गी की पुलाव रेडी है. आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है. व्यूअर्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा. फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.